कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल यानी 3 अप्रैल को केरल के वायनाडा से लोकसभा सीट के लिए चुनावी पर्चा दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने पोर्टफोलियो के साथ शेयर, गोल्ड बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड में निवेश का खुलासा किया है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राहुल गांधी ने पोर्टफोलियो में 25 शेयर ले रखे हैं, जिनमें उन्होंने 4.30 करोड़ रुपए निवेश कर रखा है। राहुल गांधी ने टाटा की कंपनियों से लेकर ICICI बैंक और कई लार्ज कैप शेयरों में निवेश किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्मॉल कैप फंड में भी पैसा लगाए हुए हैं। टाटा के शेयरों में सुप्रजीत में उनके पास 4068 शेयर थे, जिनकी कीमत 16.65 लाख रुपए से अधिक है। वहीं ITC के 3039 शेयर और ICICI बैंक के शेयर 2299 थे, जिनका मार्केट वैल्यू 12.96 लाख रुपए और 24.83 लाख रुपए था। उनके पोर्टफोलियो में अन्य शेयर में अल्काइन एमाइंस, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, डिवीज लेबोरेटरीज, इंफोसिस, TCS, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और टाइटन कंपनी शामिल है। गांधी के पोर्टफोलियो में अडानी और अंबानी समूह की कंपनियों का कोई भी स्टॉक शामिल नहीं है। वहीं मार्केट वैल्यू टर्म के मुताबिक पिडिलाइट इंडस्ट्री टेबल में टॉप पर है, इसके बाद बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स हैं। पिडिलाइट में उनके शेयर 1474 शेयर मौजूद है, जिनकी वैल्यू 15 मार्च तक 83.27 लाख रुपए था। बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स के लिए 551 शेयर और 1231 शेयरों की वैल्यू क्रमशः 35.89 लाख रुपए और 35.29 लाख रुपए था। इसके साथ राहुल गांधी ने चुनावी हलफनामे के मुताबिक इनके पास 55,000 रुपए कैश और 2 सेविंग अकाउंट में 26.25 लाख रुपए डिपॉजिट एवं SBI HDFC बैंक में एवं 7 म्यूचुअल फंड स्कीम में 3.81 करोड़ रुपए का निवेश मुख्य रूप से HDFC, AMC, PPFAS और ICICI में हुआ है। डाक बचत, NSS, ज्वेलरी में निवेश समेत गांधी का कुल निवेश 9.24 करोड़ रुपए से अधिक है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।